बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YS न्यूज में। आज मैं विधानसभा बिलारी के गांव पहुंचा हूं ग्वारखेड़ा में। यहां पर देखते हैं जनता का क्या रुख है और यहां का चुनावी मिजाज क्या है। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम संजीव कुमार है जी। देखिए संजीव जी, विधानसभा चुनाव चल रहा है इस समय, आपको क्या लगता है आप 14 तारीख में वोटिंग करने जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करेंगे? हमारे मुद्दे सभी ठीक हैं, जब हमारी व्यवस्था सही है तो हम तो बीजेपी की सरकार को ही वोट देंगे। अच्छा, बिलारी विधानसभा को आप किस नज़रिए से देखते हो? अभी तक जो विधायक थे मोहम्मद हईम समाजवादी पार्टी के, क्या उन्होंने कोई ऐसा विकास कार्य करा है जो वो आपके दिल में जगह बना पाए हूँ? ना साहब, उन्होंने कुछ ना करा, उन्होंने अपना ही बनाया। अच्छा, वो आपके गांव में कभी घूमने या कभी किसी प्रोग्राम में कभी आए हैं? वो आए हैं साहब कि अपने वोट मांगने आए हैं बस, बाकी फिर उसके बाद में नहीं आए। मतलब 5 साल में एक बार आते हैं वोट मांगने, उसके बाद फिर अगले 5 साल बाद ही आएंगे, फिर नहीं आते हैं। उन्होंने ये भी देखा, रास्ता भी नहीं देखी कोई भी, हमारे इस गांव में वोट मिले हमें कि कोई रास्ता सही है नहीं है। तो आप बदलाव चाहते हैं बिलारी विधानसभा को लेकर? ठीक, रीना जी, देखिए विधानसभा चुनाव चल रहा है इस समय, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं को सुरक्षा कौन सी पार्टी ज्यादा दे पाएगी? बीजेपी। ऐसा क्या अच्छा आपको बीजेपी में लगा जो आप बीजेपी को जा रही हैं? क्योंकि हम रात में भी, मतलब सुबह में भी अंधेरा होता है तब भी हम ट्यूशन के लिए जाते हैं पढ़ने के लिए, कुछ हमें डर नहीं लगता है बिल्कुल भी, इसी वजह से बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, गुड्डो, देखिए विधानसभा चुनाव चल रहा है, बीजेपी भी इस समय कूदी हुई है, सपा भी है, तो आपको क्या लगता है आपके दिल में कौन बसा हुआ, कौन जगह बना पाया आपके लिए? बीजेपी को वोट देंगे, उनकी योगी की सरकार में बहुत सुविधाएं, चोरी चपारी कुछ ना है, रही आराम से सोते हैं, महिलाओं को कोई डर ना है, कहीं जाएं रात बिरात में कोई भी डर ना है। अच्छा, आपका कहने का मतलब यह है कि अगर बीजेपी सरकार जो इस समय है और दोबारा अगर बनती है तो उसमें आप सुरक्षित हैं योगी सरकार में? हाँ, पूर्णतः सुरक्षित हैं आप? हाँ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कुछ लोग गांव के और देखते हैं इनका क्या मत है, क्या ये किस पार्टी को लेकर इनका दिलचस्पी ज़्यादा है। क्या नाम होगा आपका? फूल सिंह। देखिए विधानसभा चुनाव चल रहा है तो आप 14 तारीख में यहाँ पर वोटिंग है, तो आपको कौन सी पार्टी या किस पार्टी के आप मुख्यमंत्री तौर पर देखना चाहते हो? बीजेपी पार्टी को। बीजेपी से? ऐसा क्या आपको अच्छा लगा, दो चार बात गिनवाएंगे आप मुझे? बीजेपी पार्टी का मतलब जो है कि चोरी वगैरह ना हो रही है, मतलब जो है और क्या, और आराम से अच्छी अच्छी सुविधाएं वगैरह जो है। ताऊ, क्या नाम है आपका? चोखेलाल। चोखेलाल ताऊ जी, अभी जैसा कि पता है सबको विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो आपको क्या लगता है और आपको किस पार्टी को देखना चाहते हैं आप? हम तो फूल को देख रहे हैं। तो ऐसी कोई बात तो बताओ फूल की, जो फूल पे जा रहे हो आप? जा रहे हैं, कोई परेशानी ना है, आराम से हैं, कोई चोर चपोरी ना है, कोई परेशानी ना है, सुख से सो रहे हैं। कहा है, क्या नाम हो आपका? मुख्तार हुसैन। देखिए विधानसभा चुनाव इसमें 2 दिन रह गए हैं वोटिंग के लिए, दूसरे चरण के मतदान के लिए, तो आप किस पार्टी को समर्थन देते हैं या क्या राय है आपकी चुनाव को लेकर? अखिलेश यादव को। ऐसा क्या है अखिलेश यादव में, कोई एक दो काम गिनवा उनके? अच्छा कहा हमारे गाँव में, अच्छा विकास करा जिस चीज़ें जो इनकी सरकारी। कहा यह जाता है कि जब से अखिलेश यादव की सरकार थी 2012 से 2017 के बीच में सबसे ज़्यादा चोरियाँ हुई हैं अखिलेश यादव की सरकार में। अब ये तो भैया चोरी किसी जगह रुकती हैं, ये तो होती आई हैं, पहले से अंग्रेजों के ज़माने से होती आई हैं, अंग्रेजों के ज़माने से होती चली आई हैं। देखिए जो आजम खां हैं, इनके समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो जेल में हैं इस समय। अब कहा यह जा रहा है, बोले वो अखिलेश यादव अपने नेता को ही ना बचा पाए तो वो आम जनता की क्या सुरक्षा करेंगे? वो सत्ता में सरकार ना तो बचा क्या पाएंगे? तो आप कहने मतलब ये, अगर सत्ता में सरकार है तो फिर सब दाम सत्ता ही से। आजम खान ने अपना अपना रामपुर चमका रखा है,